पता है भाइयों और बहनों, हम अपने काम को लेकर, आपके मनोरंजन को लेकर और आपके मनोरंजन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को लेकर हमेशा इतने कार्यबद्ध इसलिए रहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा हाल भी सही की तरह हो जाए। अरे भैया, गुम है किसी के प्यार है कि सही। जी हाँ, यहाँ सही और विराट का रिश्ता अब उस मोड़ पर जाकर पहुँच गया है जहाँ सही जो है अपने बीते हुए दिनों को याद कर रही है। जी हाँ, बात तलाक तक पहुंच गई है। देखिए, चौहान निवास में कभी ऐसा हुआ करता था कि सई, विराट, सम्राट, मोहित ये सब मिलकर इस घर में खेला कूदा करते थे। वो दिन भी क्या थे ना, जब सई विराट की जिंदगी में कितनी सारी खुशियाँ थी, परिवार भी खुश था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल क्या है ना, अब सई को याद आ रहा है सब। इस घर से अब उसका नाता टूटने वाला है क्योंकि विराट को सई तलाक देने वाली है। फिर क्या, जब उसने तलाक के कागजात के साथ इस घर में कदम रखा तो उसके सामने पुरानी यादें ताजा हो गई। अब आपको भी क्या लगता है कि सच में विराट भी सई को तलाक दे देगा? क्या अब भी सई के दिल में थोड़ी बहुत उम्मीद है? वैसे सई का दिल मानने को तैयार तो नहीं है कि विराट उसे धोखा दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। तो जो चीज खत्म हो चुकी है उसे ऑफिशियली भी खत्म कर देते हैं ना, उस चीज में डिले करने का क्या फायदा? मेरी जिंदगी का मकसद एक अच्छी वाइफ बनना नहीं है, बल्कि एक अच्छी डॉक्टर बनना है। इनका रिश्ता कौन सा मोड़ लेगा ये तो फिलहाल यही जाने। अभी के लिए तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाइयों और बहनों, मेरी प्यारी सहेलियों, बहनों, माताओं, इस बार 26 जनवरी में आपने भारत की बेटियों का जलवा देखा, उनका दमखल देखा, और यकीन मानिए ये देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसी तरह इस मोड़ पर आते ही या इस मोड़ से जाते ही जब आप परागी को यूं भारत के तिरंगे को लहराते हुए देखेंगे, आपका भी सीना जो है वो गर्व से चौड़ा होना चाहिए। यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम परागी की सासू माँ को भी। अब बजाओ ताली। छब्बीस जनवरी का मौका है और इस मौके पर हर साल संजय अपने कॉलोनी में झंडा वंदन करता है, लेकिन इस साल उसे ये मौका नहीं दिया गया है। ये देखिए कैसे परागी को कहा जा रहा है कि इस साल झंडा वंदन तुम करोगी, तुम दोनों मिलकर झंडा वंदन। अब जैसे ही
परागी का नाम लिया गया, सासू माँ के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। परागी के ससुराल वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही संजय को, लेकिन सासू माँ को फर्क पड़ रहा है। वो क्या है ना, बुआ जी है ना सासू माँ के कान भरने के लिए। एक माँ होने के नाते तो ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेटा मेरा कॉलेज टॉपर था, इसलिए पिछले 2-3 साल से वही ध्वजारोहण करता था, और इस साल अचानक अनएक्सपेक्टेडली वो क्या कहना चाहिए, फेल हो गया, और वो जो एक सम्मान उसको मिलता था वो उससे छिन गया। तो वो शौक था ऑब्वियसली हम पाठक फैमिली के लिए, पर जो सच्चाई है वो है, टॉप किया है परागी ने पूरे एमपी में, तो ध्वजारोहण तो उसी के हाथ से होना है। अब परागी पूरे कॉलेज में अव्वल आई है, उसने यूपीएससी के एग्जाम में टॉप किया है, और वही संजय फेल हो गया है। तो इस नाते से जो दावेदार है ना उसी को दिया गया मौका झंडा वंदन करने का। शी इज हैप्पी बट एट द सेम टाइम उसको ये कि संजय के साथ, संजय पीछे नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए परागी ने अकेले नहीं किया, उसने संजय को इंक्लूड किया और दोनों ने साथ में ध्वजारोहण किया। सो दिस इज परागी का प्यार फॉर संजय, और चीजें होती हैं ऊपर नीचे बट प्यार तो ऊपर ही रहेगा, टॉप पे रहेगा परागी के लिए, ये उसका बेसिक रूल है। अब इसको लेकर भी मुद्दा बनाया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही परागी घर पहुँचेगी ना उसे ताने भी सुनने मिलेंगे, लेकिन संजय जो उसे बहुत प्यार करता है वो एक बार फिर से परागी की साइड लेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये कोई इत्तफाक की बात नहीं है कि आप हमेशा से ही पिछले 18 सालों से हमें अपना वोट देते आए हैं, अपना कॉन्फिडेंस वोट देते आए हैं। ये आपका प्यार है, हमारी मेहनत है, और इस खूबसूरत रिश्ते पर आपकी मोहर है। जी हाँ, क्योंकि आपकी खुशी में हम खुश होते हैं, हमारा हाल भी कुछ कुछ कभी कभी इत्तफाक की गुनगुन की तरह है। भले ही गुनगुन जो है अपनी फेलियर की निराशा उसको हो ना हो, लेकिन अपनी सहेली के पास होने की खुशी उसमें जरूर है। गुनगुन तो भाई कुछ ऐसी ही है, खुद से पहले वो दूसरों के बारे में सोचती है, तभी तो देखिए वो फेल हो गई है, उसे उसका दुख नहीं है। उसकी दोस्त पास हो गई है तो उसकी खुशी में वो शामिल होने चली गई है। मैं फेल हो गई तो क्यों, तुम तो पास हो गई हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ्लास और चॉकलेट लाई हूं। Congratulations! अब अनुभव के घर वाले भी चौंक गए हैं। जरा देखिए उनके घर में कोई भी अब तक फेल नहीं हुआ है, और उस पर गुनगुन तो पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है। इसके बावजूद वो खुश है क्योंकि उसकी दोस्त है ना वो पास हो गई है, इसीलिए वो सेलिब्रेट करना चाहती है। हाय, आप सब लोग पार्टी क्यों नहीं कर रहे, मैं तो 6 के जगह 5 सब्जेक्ट में भी फेल होती तो भी पार्टी कर लेती। तुम्हें तो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन मिला है। गुनगुन का ऐसा है कि ये गुनगुन का स्टाइल है, ऐसे बाबूराव का स्टाइल है वैसे, कि कुछ भी हो जाए पर वो ऐसे अपनी धुन में रहती है। तो आई थिंक फेल होना उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये इतनी बड़ी फैमिली के लिए है। उसके लिए वो हाँ, उसके 2-4 चीज़ें, उसके 2-4 शौक में कट डाउन होंगे, उसके पापा उसको ऐसे 2-3 दिन कहीं और घूमने नहीं जाने देंगे, दैट्स इट, उसको और कोई रिग्रेट नहीं है। गुनगुन इतनी अच्छी और इतनी नाइस जेस्चर के साथ आई है चॉकलेट एंड बुके लेके कि वो अपने गम को तो भूल गई, साथ में अपने दोस्त के पास होने की खुशी को सेलिब्रेट करने आई है। दिस इज वेरी बिग थिंग।
थैंक यू। गुनगुन का ये अंदाज पूरे परिवार को खूब पसंद आया। केवल अनुभव को छोड़कर अनुभव ने दबी आवाज में कुछ कहा तो सही, गुनगुन के कानों तक उसकी बात पहुंची भी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। फेल मैं हुई हूँ और ये मेरे वाले एक्सप्रेशंस तुम क्यों दे रही हो? क्योंकि छवि वाले एक्सप्रेशंस तो तुम दे रही हो। तुम खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो। अब देखिए ये परिवार बहुत अच्छा है, गुनगुन को पसंद भी है और गुनगुन के घर वाले चाहते भी है कि गुनगुन इस घर की बहू बन जाए। तो वहीं गुनगुन के पापा भी अब गुनगुन को जरा देखिए कैसे ब्लैकमेल करने वाले हैं। वो क्या है ना, वो फेल हो गई है तो इसलिए अब पापा की शर्तें उसे माननी पड़ेगी, जिसमें से एक शर्त पापा की होगी तो एक शर्त गुनगुन की भी। से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भाई साहब इनको कोई मन से उतारो, ये बेकाबू हो गए। उतारिए भाई साहब को, उतारिए, कोई बात नहीं। कई लोग बेकाबू हो जाते हैं, होश में आके, जोश में आके होश खो बैठते हैं। इनका हाल बिल्कुल रणवीर की तरह हो गया है कुमकुम भाग्य की। वो बेकाबू इसलिए उनका गुस्सा हो गया है क्योंकि वहां पर तो प्राची ने पुलिस को बुला लिया है। वैसे इनकी जो हरकतें थी पुलिस को बुलाने लायक ही थी, बता दूं मैं आपको। अब सीरियल के भाग्य में जो होता है भला उसे कौन रोक सकता है। लोहड़ी में भी ड्रामा हुआ भर भर के, और जब लोहड़ी खत्म हुई पूरा परिवार घर आया तब देखिए घर में भी कितना बड़ा ड्रामा हुआ। तो हमेशा तभी ड्रामा क्रिएट करते हो जब घर पे बहुत सारे लोग हो। प्राची के पैरों में चोट लग गई है और ये देखिए रणवीर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पुलिस भी आ गई है। अब ये पुलिस कहां से आई, पुलिस को किसने बुलाया, ये सारे सवाल भी तो उठेंगे। अब ये पुलिस किसने बुलाई है, अगर आपको ये बताएंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। प्राची कौन है? लेकिन हम जो कहेंगे वो सच है, ये पुलिस प्राची ने बुलाई है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी मदद कोई करे। रणबीर को उसने कहा कि मेरे करीब आए या मेरी मदद करने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। इधर प्राची ने कहा तो देखिए उधर पुलिस आ भी गई। बोलो ना, क्योंकि देखो तुम नहीं बोलोगे तो मुझे तो अरेस्ट करेंगे नहीं। बताओ कि तुम्हें जब मैं उठा रहा था तो मैं तुम्हें छूने के बारे में बोला था, और जब मैं तुम्हारे पैर पे माथा लगा रहा था तो आई थिंक मैं तुम्हें गंदी नजरों से भी देख रहा था। तो सर यही मेरा बोला है तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते। दरअसल लोहड़ी में प्राची के साथ जो हुआ उसके पैर को जानबूझकर चोट लगवाई गई, कमरे में बंद कर दिया गया। ये सब जो हुआ ना इसी के नाते पुलिस का आना जरूरी था। खैर प्राची तो अभी चुप है, केवल रणवीर ही बोल रहा है। मेरी बात खत्म नहीं हो गई, मुझे बात खत्म कर दे। ये जो सब मैंने किया है ना, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, ये सब मेरा भी भाई के लिए। अब वो जान गई है कि शायद उसने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया, पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। रणबीर तो उसकी मदद ही कर रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि प्राची इसके लिए रणबीर से माफी मांग ही लेगी। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News,
आपको रखे आगे। स्वागत है मंत्री जी, स्वागत है। धन्यवाद 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 मंच पर मेरा स्वागत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर आकर अपने दिल की बात कर पा रही हूँ। आप जानते हैं भाइयों बहनों बच्चों माताओं पिताओं एंड ऑल एंड एवरी रिलेशन आप मेरे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, इसलिए हम आपके समस्त आए हैं ये याद दिलाने कि वोट करना आपका अधिकार ही नहीं आपकी जिम्मेदारी भी है, तो वोट जरूर करें। और अब जब आपने मेरा स्वागत मंच पर कर ही दिया है तो आपको दिखाते हैं कि मोनी रॉय टेलीविजन की नागिन जब पहुंची अपने ससुराल तो उसके गृह प्रवेश पर कैसा था माहौल। की बहुरानी बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। छोटे पर्दे पर बहुरानी के किरदार इतने निभाए हैं मौनी रॉय ने, जिसमें हमेशा वो सफल हुई है, लेकिन अब बारी रियल लाइफ में बहुरानी निभाने की है। वो अब असल जिंदगी में किसी के घर की बहू बन गई है और मौनी रॉय अपनी असल जिंदगी की जिम्मेदारी को भी निभाना अच्छे से जानती है। और हम सब जानते हैं कि मौनी को लाल रंग कितना पसंद है। अब लाल रंग होता ही इतना शुभ है, तभी तो सुहाग का रंग चुना गया है लाल रंग को। अब नई नवेली दुल्हनिया मौनी रॉय को देखिए, माथे पर लाल सिंदूर लगाकर लाल साड़ी में सजकर अपने पिया सूरज का हाथ थामे जब वो अपने घर में आई तो भी घर का नजारा देखकर वो एकदम खुशी से झूम उठी। Want to say thank you so much to everybody. You know, we've been showered a lot of love in the past 3 days, and we are married. अब ये घर मौनी रॉय का ससुराल है। अपने पति सूरज के साथ मौनी रॉय ने गृह प्रवेश किया। अब ये दोनों तो गोवा से चले थे, मुंबई पहुँचे, अपने आशियाने की ओर बढ़े, तो इन्हें क्या पता था कि दोस्तों की टोली इनके लिए खूब सारी तैयारी कर रही है। जी हाँ, ये सारी तैयारियाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये मौनी और सूरज के दोस्तों ने मिलकर की है। हाँ भाई, ये नई नवेली जोड़ी आएगी तो गृह प्रवेश तो होना ही चाहिए ना। थैंक यू सो मच गाइस, रियली रियली अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट। नमस्कार। ये टीवी सितारों को देखकर आप ये ना सोचना कि यहाँ पर टीवी सीरियल चल रहा है, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है बल्कि सच में मौनी रॉय और सूरज के नए घर पर ये सब पहुँचे हैं। इतना अच्छा वेलकम देखकर भला कौन खुशी से नहीं झूमेगा। सूरज तो खुद को डांस करने से ही नहीं रोक पाए। तो वही मौनी का कहना है कि सबसे पहले सैनिटाइज करो मुझे, और उसके बाद देखिए पूरे रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश हुआ। मौनी
बॉनी रॉय जब अपने घर के चौखट पर खड़ी थी तब देखिए उनका प्यारा सा पपी जो इतने दिनों बाद उनसे मिला है कैसे मौनी का आंचल थाम लिया है उसने। तो वहीं अब सूरज के लिए भी तो वो सब चीज़ें प्यारी हैं जो मौनी को प्यारी हैं। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही तो होता है, एक दूसरे की पसंद को स्वीकार करना ही पड़ता है। खैर घर में जब ये जोड़ी आई तब देखिए किस तरीके से रस्में भी हुई। अंगूठी ढूंढने की रस्में इसकी भी तैयारी सब ने कर ली थी। अर्जुन बिजलानी और अनु खुराना सबसे प्यारे दोस्त हैं मौनी की और इन तैयारियों में इन्होंने अपना 100% दिया। वैसे गोवा से जब ये मुंबई पहुंचे तब इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मीडिया इनका इंतजार कर रही है। खैर मीडिया के सामने मौनी रॉय और सूरज ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, तभी तो मीडिया ने इनकी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैप्चर किया। अब मौनी रॉय जाते जाते हम यही कहेंगे कि बहू रानी के लीग में अब आप भी शामिल हो गई हैं। सास बहू और साजिश की ओर से आपको और सूरज को शादी की खूब सारी बधाइयां। मुंबई से कलीम सलमानी और रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हम मंच पर आ गए हैं, थोड़ी तो एनर्जी दिखाइए। आई टेल यू सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल। आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है, तो बस SBS ओरिजिनल्स आपके लिए लाया है ये एक्सक्लूसिव मुलाकात। क्योंकि देखिए, हमने कहा था कि आम बात तो हम करते नहीं, हम तो खास ही करते हैं आपके लिए जब भी करते हैं। तो ये खास मुलाकात और खास ये वाला जो गाना है शहनाज गिल का, मतलब गाना उन्होंने नहीं गाया था लेकिन बना दिया यशराज मुखाते ने, तो उसको डीकोड भी करेंगे खास आपके लिए। तो मैं अभी आपको बोरिंग डे का ब्रेकडाउन करके दिखाने वाला हूँ। सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल, सच अ बोरिंग डे। तो ये इसमें मुझे लगा कि यार वो बीट बहुत सही जाएगा। एबीपी न्यूज़ पे छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। तो इसका नाम है बादल। और मेरा नाम वैशाली है और मैं बहुत प्राउड मॉम हूँ यशराज की। कैसी है ये हमारी अधूरी कहानी। नमस्कार, मैं मेघा। आज SBS ओरिजिनल्स औरंगाबाद में आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमें सेक्सी लग रहा था। आज हमारे साथ है कोई और नहीं, औरंगाबाद की शान यशराज मुखाते। हेलो, कैसे हो यशराज? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो? आप मुझे एक बार औरंगाबाद बोल के दिखाइए प्लीज। औरंगाबाद जी। तो आज हमारे साथ आप क्या क्या करने वाले हैं? आज मैं आपको मेरा स्टूडियो टूर दूंगा और फिर मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अभी। ये मेरा स्टूडियो है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा डेस्क है। बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, लेकिन अभी आप आ रहे थे मुझे पता था, तो मैंने थोड़ा साफ़ सफाई करके रखी है, हमेशा इतना साफ़ नहीं होता है। तो ये मेरा डेस्क है और ये मेरा मेन सिस्टम है जहाँ पे सारा काम होता है, ये कंप्यूटर पे। और ये बाकी सारा आप देख सकते हो,
ये पीछे आप देखोगे यहाँ पर आओगे तो ये सारे जो पिछले साल से जो गिफ्ट्स आए लोगों ने भेजे हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और फिर पिछले एक डेढ़ साल से जो अवार्ड्स और वो सब यहाँ पर लगा हुआ है, ये यूट्यूब का जो गोल्ड प्ले बटन है, ये सिल्वर प्ले बटन है, और ये गोल्ड अवार्ड जहाँ पे हम मिले थे वो ये है। ये पेंटिंग मुझे आर्टवर्क लोग भेजते रहते हैं तो उसमें से एक ये है, ये भी, और ये रहा, बहुत अच्छा किसी ने पेंटिंग बनाया, मेरा स्केच बना के भेजते हैं बहुत टैलेंटेड लोग। ये एक मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये कुछ एक स्पेसिफिक झाड़ है उसके सीड्स आते हैं, वो सीड्स उन्होंने बाम्बू के एक स्टिक में डाले और उसका आवाज़ ऐसे आता है कि जैसे बारिश हो रही है। एक बार मैं मुंबई जाकर आया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर लोग बोलते थे कि यार तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मुंबई चला जा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते देखने के लिए वो देखते थे कि इतना टैलेंटेड है, अच्छा गाते हो, तो मुंबई क्यों नहीं जाते। तो मैं मुंबई चला गया प्रेशर में आके, लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे 2-2.5 महीने में पता चल गया था कि कुछ नहीं हो सकता वहाँ पर। तो फिर मैं वापस आ गया और फिर उसके बाद ये स्टूडियो बनाया था और उसके बाद यहीं से काम चल रहा है। तो अभी मैं आपको वो वाला हॉल दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने पहले शुरू किया था। ये जो चेयर है, यहाँ पर बैठ के मैं सर फोड़ता रहता हूँ दिन भर, और इस डेस्क पे कि क्या सोचा जाए, क्या किया जाए, इस पर भी बैठ के मैं फ़ोन पे मीम्स देखता रहता हूँ, और जैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग आए मैं कंप्यूटर में डाल देता हूँ। मेरा एक फोल्डर है जहाँ पे मैं ऐसी सारी चीज़ें सेव करके रखता हूँ, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो मैं बना चुका हूँ और वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं बनी है तो वो मैं नहीं डालता हूँ बाहर। उसमें से 10 में से कोई एक चीज़ अच्छी बन जाए तो मैं बाहर डालता हूँ, और वो लकी लोगों को पसंद भी आती है। तो उसमें प्रोसेस ऐसा होता है कि कुछ अगर इंटरेस्टिंग दिख जाए कहीं पर भी वो डाल के रख दो साइड में, और जब फ्री टाइम होगा उसके साथ जैम करो, बीट डाल कर देखो, और फिर जो उसमें से बेस्ट बनेगा वो डालो। कवर्स की बात की है तो रसोड़े में कौन था के बाद आपका एक और कवर सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, बड़ा कुत्ता टॉमी वाला जो था, तो उसके बारे में बताइए। शहनाज से मुलाकात हाल ही में हुई आपकी, शायद दोबारा हुई है, तो शहनाज के साथ की बॉन्डिंग के बारे में पूछना बनता है हमारा, कैसी बॉन्डिंग है, कितना मजा आया साथ में शूट करके? अरे वो तो फर्स्ट मैंने जो बनाया था ट्वाडा कुत्ता, तब तो मैं मतलब मेरी मिला नहीं था उनसे, और वो मैंने ऐसे ही कहीं देखा और बना के डाल दिया। तब मैंने सोचा भी नहीं कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा, तो तब ये एक दो वीडियोस पॉपुलर हो चुके थे, तो मेरे दिमाग में था कि यार इससे ज़्यादा और क्या हाई होगा ना, मतलब इतने सब्सक्राइबर मिल गए, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, तो चुपचाप अपना डालते रहो कॉन्टेंट, लेकिन वो भी चल गया। तो वो लोग कैसे, तो पहले तो उनका फ़ैन बेस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, शहनाज गिल का फ़ैन बेस, और वो मुझे DM भी करते रहते हैं कि वो उनका फ़ैन बेस अभी बहुत, वो एकदम उनका एकदम क्लोज कम्युनिटी है। मैंने उनको रेकमेंड किया कि आप ये जो बोल रहे हो आप, क्योंकि मैं वहाँ पर गया, हमको शूट करना था, उन्होंने बिरयानी मंगाई थी, हमने बिरयानी खाई, उसके बाद शूट किया, और वो इतना बात कर रही थी, मतलब उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो वो जो जैसी है ना, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू वॉच। जो बिरयानी वाला आया था उससे भी उनका जो कॉन्वर्जेशन चल रहा था वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन वो अपने क्रू से जैसे बात कर रही थी, वो मुझसे जैसे बात कर रही थी, वो हमने पूरा जैसे शूट किया, तो मुझे लगा यार ये कितना इंटरेस्टिंग है। मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ व्लॉगिंग शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है इंटरनेट पे, और लोग आपको प्यार करें तो डेफिनेटली बनेगा। सो शी वाज़ लाइक कि आप आ रहे हो तो आप कर लो शूट अभी। तो फिर मैंने पूरा शूट किया, फिर वो जो बात कर रही थी कुछ भी, और रैंडम बातें, उनको बस कैमरा ऑन करना है, उनको बोलना कि आप बोलो, वो बोलना शुरू हो जाती। तो मैं अभी आपको बोरिंग डे का ब्रेकडाउन करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने शहनाज का वो डायलॉग लिया, फिर कैसे उसको बीट्स ऐड किए, कैसे ढोलक ऐड किया। तो ये रहा वो, ये है सबसे पहला डायलॉग जो आपने वीडियो में भी सुना है, जो कि ये है। तो ये डायलॉग है, इसको मैंने रिपीट किया और मेरे दिमाग में बहुत वो था, एक रिदम है, उस रिदम का नाम है ढंका मटन बोलते हैं उसको हम, क्योंकि वो बजता है ऐसे कि ढंका मटन। सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल, सच अ बोरिंग डे, कोई बात ही नहीं करता मेरे इसमें। ये खाली है विदाउट एनी म्यूजिक प्रोडक्शन, और ये जब मुझे पता चल गया सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल इज गोइंग टू बी माय हुक, उसके बाद मैंने इसके सारे बीट ऐड किए
और मैं एक अभी आपको एक एक चीज ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे ये पहले ढोलक है कि बार सच अ बोरिंग डे, यहाँ से सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल। इसके बाद तबला और ये थोड़ा बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल। इसके बाद तबला, क्लैप्स, बीट्स, बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल, सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल। इसके बाद गिटार ऐड कर दी इसमें ये वाली की बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल, सच अ बोरिंग डे, सच अ, और सबके साथ ऐसे साउंड करता है बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल, सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल। वो इसे यूज किया देखो। प्रोडक्शन वाइज थोड़ा हल्का रखा था, तो ये जब उनको भेजा तो उन्होंने बोला कि इसको यहीं पे पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन में इधर हाई कर दो, ताकि जब लोग डांस करते हैं सो इट हैज टू बी एंगेजिंग विद इन द फर्स्ट 30 सेकंड्स। सच अ बोरिंग डे, बोरिंग डे, सच अ बोरिंग, यहां पे हल्का था थोड़ा, इसको फिर बाद में मैंने उसको किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बातें हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना मुझको पता, ओ भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है, टूटा टूटा सब छूटा छूटा दिल तेरे बिना अब कैसे हो जीना गवारा,
वीडियो तो आपने देख लिया, लेकिन मेरी ये हॉबी नहीं है, मुझे बहुत शौक है ऐसे घोड़े या फिर मुझे डर लगता है लेकिन शौक है। तो इसका नाम है बादल। और ये अभी कितने साल से अपने पास? 5 साल से हैं अभी। और दिन भर खाता रहता है, कुछ नहीं करता, बस दौड़ता भी नहीं है ज़्यादा, दिन भर खाता रहता है। अभी इसको कुछ भी दे दो तो खा लेगा। बहुत एग्रेसिव है। तो ये है। और फिर हमारे पास पूरी सा ऑलमोस्ट पूरी गौशाला बनाई है हमने, क्योंकि मेरे मम्मी को बहुत शौक है ये सब का। तो यहाँ पर तो मैं इतना आता नहीं हूँ, लेकिन आप भी मत ज़्यादा जाओ पास, क्योंकि डर जाते हैं फिर वो। तो चलिए मैं अभी आपको मेरा घर दिखाता हूँ, मेरे फैमिली से मिलाता हूँ थोड़ा। ये मेरे पिताजी है भूषण मुखाटे, और इनसे ही मैंने सिंगिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये खुद गाते हैं। और अभी अगर इम्प्रॉम्प्टू उनको बोलोगा तो अभी भी गाएंगे शायद। तो अभी गाना होगा तो कौन सा गाना गाओगे आप? छोड़ाए हम वो गलिया, छोड़ाए हम वो गलिया, जहाँ तेरे पैरों के कवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों पे भंवर पड़ा करते थे, तेरी हंसी सुन सुन के नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के पड़ा करती थी। छोड़ाए हम वो गलिया, छोड़ाए हम वो गलिया। तो हम ऐसे गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, मिमिक्री करते रहते हैं। अरे मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। वो सुनाओ ना। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी वही हैसियत है जो जंगल में एक शेर की होती है। मानो ये सारा शहर आपको एक शेर के नाम से जानता है, मगर एक बात मत भूलिएगा सेठ दीन दयाल, जब शेर आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपने गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मारती है। और इस बार शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। ये मेरी मम्मी है। आपका नाम बोलिए मम्मी जी। मेरा नाम वैशाली है और मैं बहुत प्राउड मॉम हूँ यशराज की। और इनका अपना बिजनेस है, मेरे डैडी का भी अपना अपना बिजनेस है। लेकिन आपको कैसे लगा था फिर मेरा जब वायरल हुआ वीडियो, तो इनको थोड़ा बताओ ना। मुझे क्या लगा था वो आज तक भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि हर एक दिन मुझे तो यहाँ से कदम बाहर निकालने के लिए भी मुश्किल जाता है कि मेरे पीछे, मतलब मैं बाहर कदम रखूँ और मेरे पीछे यशराज के बारे में क्या क्या होता रहेगा मुझे पता नहीं चलेगा, तो मुझे बाहर निकलने के लिए भी बहुत मुश्किल रहता है। ये मेरी बहन है और ये उसके हस्बैंड है, और ये हमारा अभी एंटरटेनर ऑफ द ईयर, मतलब ये साल का एंटरटेन, दिन भर एंटरटेन हम सबको जो करता है वो ये है। इसका नाम वायु है। ये मेरा दोस्त है राज कपाड़िया, और ये मैं इसका मैनेजर हूँ, और ये मेरा आर्टिस्ट है। तो ये जो कॉल्स मिस करता है वो मैं उठाता हूँ। तो पहले बहुत पहले से दोस्त थे हम, और एक काम वाम भी ये देखता है। क्या ये पता ही था हमको कि पहले से ही कि ये कुछ ना कुछ तो इसका फूटने वाला है? और इनफैक्ट जब रसोड़े में कौन आया था उसने जैसे ही डाला था, तो तभी मैंने उसको बोल लिया था कि भाई अभी 2-3 दिन में कुछ ना कुछ तो हो रहा है भला बड़ा, और बस 2-3 घंटों में हो गया। तो जैसे आपने मेरा स्टूडियो देखा, जैसे मैं कैसे गाने बनाता वो देखा, मेरा घर देखा, मेरे घर वालों से मिले, तो वैसे ही आई होप जैसे आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं वैसे ही एपिसोड भी अच्छा लगा होगा SBS ओरिजिनल्स का। और SBS ओरिजिनल्स देखिए 3 बजे ABP न्यूज़ पे, और जब एपिसोड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। ABP News, आपको रखे आगे। नहीं
नहीं भाइयों और बहनों, हम आपके मत को डिवाइड करने नहीं आए हैं। हमें पता है कि पिछले 18 सालों से आप बिना नागा अपना वोट सिर्फ और सिर्फ अपनी मनपसंद पार्टी सास बहू और साजिश को देते आए हैं, और आगे भी इस वोट में कभी कोई बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा तो हो रहा है पंड्या स्टोर्स में, जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक लाख रुपया हमारा बहुत है। पंड्यास ब्रदर की एकता भाई माननी पड़ेगी। इधर बड़े भाई ने जब हिसाब किताब किया तो इसमें दुकान से पूरी कमाई 4 लाख रुपए की हुई है, जिसमें से 3 लाख रुपए दुकान के सामान के लिए रखे जाएंगे और जो 1 लाख रुपया बचाना उससे बाकी के काम किए जाएंगे, और इसके अलावा कुछ पैसे चारों भाइयों में भी बटेंगे। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पर बंटवारा होने वाला है। दरअसल बंटवारा नहीं, बल्कि ऋषिता ने जो कहा था ना कि जो प्रॉफिट होगा वो सब भाइयों में बराबर बराबर मिलना चाहिए, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। 1 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट है। अब देव को जब धरा भाभी ने पैसे दिए तो देव ने अपने पैसे में से कुछ पैसे दे दिए धरा भाभी को घर खर्च के लिए, और थोड़े से पैसे ऋषिता के हाथ रख दिया। फिर क्या, ऋषिता भड़क गई कि इतने पैसों में मेरा क्या होगा, ये बोलकर वो चली गई। मैं अपने ऑफिस के सैलरी से इतना काम चला, और आप कम अगर पैसे देने ही नहीं थे तो ये सब पहली बार दिखाने का क्या फायदा। ये तो यही बात होगी, एक हाथ से पैसे लो, एक हाथ से पैसे वापस दे दो, छीन लो। अगर घर के खर्चों में ही सारे पैसे जाने वाले तो हम फिर क्या करें। एंड बाय दिस ड्रामा नाउ बातचीत इसलिए हो रही है ताकि घर में सब अपनी अपनी हिस्सेदारी और अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन इक्वली दे, ताकि सबको कोई प्रॉब्लम ना हो कि घर में अगर कोई खर्चे ज़्यादा हो कम हो, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। तो गोम्बे और दरा भाभी ये कोशिश कर रहे हैं कि सबको पंड्या स्टोर में से जो भी प्रॉफिट आता है सबको इक्वली बांटा जाए। अब बारी आई शिवा की, तो भाई शिवा को तो पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तो वही रावी को भी जब धरा ने पैसे देने की कोशिश की तो उसने लेने से इनकार कर दिया, यानी कि इनके मन में ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अब इससे तो ये समझ में आया कि भाई अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही है, धरा और रावी भी इनके जैसी है, केवल ऋषिता है जिसे आपत्ति थी, तो खैर वो तो चली गई। अब इन भाइयों की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। फिलहाल इस सीन के बाद एक भूचाल जरूर आएगा जो रावी और शिवा के रिश्ते को तोड़ सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, खड़े हो जाए मंच पर। धन्यवाद आपका। भाइयों और बहनों, आप सभी को हम याद दिला दें कि हम उन लोगों में से नहीं है, हम उन पार्टियों में से नहीं है जो आज इनके हो गए, कल उनके हो गए, परसों किसी के भी नहीं रहे। हम जिसके हो जाते हैं हमेशा उन्हीं के रहते हैं। हम आपकी बात यानी आम इंसान। अरे भैया, हम यहाँ पर आम की दुकान नहीं लगाए हैं, हम तो आम इंसान की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज जा रहे हैं आप हमें। बहरहाल, हमने जैसे कहा कि हम जिसके हो जाते हैं हमेशा उन्हीं के रहते हैं, बिल्कुल मिथिला जी जैसा हाल है हमारा। उनके लिए एक ही बहू है उनकी, जानते हैं कौन, जानते हैं कौन, जानते हैं कौन? नहीं भैया, गोपिका। सबने ठान ही लिया है तो करो अपनी मर्जी, पर एक बात मेरी भी सुन लीजिए। कृष्ण भगवान की सौगंध, मैं मिथिला मोदी इस रस्म में बेमन से हिस्सा लूंगी।
मिथिला मोदी आज भड़क गई है, उसकी ऊंची आवाज तो सुनिए। न्योता भेजने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लेती या मुझसे बात कर लेती। दरअसल क्या है ना, अब घर वालों का कहना है कि जब सक्षम ने प्रिया को अपना लिया है तो इन्हें भी अपना लेना चाहिए। अब मिथिला के लिए तो उनकी बहुरानी गोपिका थी, है और रहेगी, तो भला ऐसे में वो प्रिया को अपनी बहू कैसे मान सकती है। सक्षम और इसका विवाह एक अनहोनी है, और ये अनहोनी की बात तुम रिश्तेदारों के बीच फैलाना चाहती हो, गलत है ये। घर में मुंह दिखाई का फंक्शन होने वाला है जिसके लिए सब राजी हो गए हैं, यहाँ तक कि सक्षम भी। और जब इस बात पर मिथिला ने आवाज उठाई तो गोपिका ने कहा कि सही तो है माँ, ऐसा होना चाहिए। जब सब ने दर्जा दे दिया है प्रिया को इस घर की बहू का, तो आपको भी दे देना चाहिए। खैरा मिथिला को नहीं पता है कि सक्षम और गोपिका मिलकर चाल चल रही हैं, इसीलिए वो नाराज है। कृष्ण भगवान की सौगंध, मैं मिथिला मोदी इस रस्म में बेमन से हिस्सा लूंगी। मीनल मैम चाहती हैं कि सक्षम दिख रहा और प्रिया उनकी मुंह दिखाई हो, लेकिन दर्शक तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रिया और सक्षम के विवाह को मैंने नकारा है, और मेरे लिए मेरी बहू गोपिका बहू थी, है और हमेशा रहेगी। लेकिन सासू माँ अभी जो हो रहा है ना, उसे आप चुपचाप से देखती जाइए। कुछ दिनों का और ये खेल है, उसके बाद तो जैसा आप चाहती हैं ना वैसा ही होगा। फिलहाल आशी एक मुसीबत में फंस सकती है, क्योंकि उसने 5 करोड़ की कुछ फिरौती की है जिसमें वो पकड़ी गई है। अब उसका क्या होगा ये हमें नहीं जानना है, क्योंकि उसकी क्लास तो मिथिला ही ले लेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।